बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं अपने तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको मर्दाना कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए एक ख़ास तरीका बताऊँगी। इस तरीके के लिए आपने सिर्फ दो कुदरती चीज़ें लेनी हैं। ये दोनों चीज़ें बड़ी आम और सस्ती हैं। अगर आप मेरे इस बताए हुए तरीके पर अमल करेंगे तो इससे आपकी मर्दाना कमज़ोरी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। मर्दाना कमज़ोरी को ख़त्म करने का ये तरीका सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। ऐसे हजरात जो अपनी शरीक हयात को खुश नहीं रख पाते, वो एक बार मेरे इस तरीके पर अमल ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपको इस तरीके से बहुत फ़ायदा होगा। इसके लिए आपने थोड़ा सा अदरक लेना है। अदरक का इस्तेमाल आपने कई बार किया होगा। अगर आप इसे मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहतरीन नताज मिलेंगे। दूसरे नंबर पर आपने लहसुन लेना है और आखिर में आपने थोड़ा सा खालिस शहद लेना है। शहद छोटी या बड़ी मक्खी दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, मगर खालिस होना चाहिए। इन सब को इस्तेमाल करने का तरीकाकार ये है कि आप 2 ग्राम के करीब अदरक को बारीक कर लें, फिर लहसुन की 2 तोरियां लें और इनको भी बारीक कर लें। इसके बाद अदरक और लहसुन को आपस में मिला दें। फिर इसमें 1 चम्मच खाली शहद का डालकर इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर ये आपको कड़वा महसूस हो तो फिर आप 1 चम्मच और शहद का भी इसमें मिला सकते हैं। ये जो मैंने तैयार किया है, ये आपकी एक वक्त की खुराक है। आप एक वक्त में 1 से ज़्यादा खुराकें भी इकट्ठी बना सकते हैं। मर्दाना ताकत के लिए ये चीज़ बेमिसाल है। इसका आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा और फ़ायदे के लिहाज से आप इसके नताइज से हैरान रह जाएंगे। इससे आपकी मर्दाना कमज़ोरी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।